हम आपको महाराष्ट्र के एक गांव लिए चलते हैं। हमें बताया गया था कि वहां पर एक स्नेक स्कूल है, यानी सांपों का स्कूल। जब मैं वहां पर पहुंची तो आराम से घूमते टहलते सांपों को देखा, बिल्कुल हैरान रह गई। 6-7 साल के बच्चे आराम से उन सांपों से खेल रहे थे, जिन्हें छूने की हिम्मत भी मैं नहीं जुटा पा रही थी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में सांपों के रहस्यमयी संसार की खोज पर हम आगे बढ़े, उससे पहले ये चेतावनी जरूर ध्यान से सुन लीजिए कि शो के दौरान दिखाए जा रहे किसी भी कर्तव्य को बिल्कुल भी न दोहराएं, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। ये मास्टर साहब हैं, हाथों में छड़ी या किताबों की जगह सांप है। ये विद्यार्थी हैं, इनके हाथों में इनके कद से 2 गुना लंबा अजगर है। ये इस गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिनके खिलौने भी सांप बने हुए हैं। ये गांव के स्कूल की अलमारियां हैं, जहां हर जगह एक से एक खतरनाक सांप पसरे हुए हैं। गलियों में, झाड़ियों में, कहीं भी हाथ डालिए, कोई सांप आपके हाथ आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप किससे कहानियों वाले सर्पलोक में आ गए हैं या सपेरों की किसी बस्ती में हैं, तो आप गलत हैं। आप महाराष्ट्र के एक गांव के स्कूल में हैं, जहां सांपों की यह डरावनी फुफकार कोर्स का जरूरी हिस्सा है। और ये भी समझ लीजिए कि इनमें से कई सांप जहरीले भी हैं। स्थिति ऐसी कि जहां देखो वहां सांप। तभी एक बच्चे ने झाड़ियों की तरफ इशारा किया। अरे बाप रे, ये कौन सा सांप है? हमने देखा वहां कम से कम 10 फीट लंबा एक अजगर पसरा हुआ था। साहिल, तुम पकड़ लोगे उस सांप? पकड़ लोगे। तुमको डर नहीं लग रहा? इतना बड़ा सांप है ये। नहीं लगे, नहीं लगता। तो मतलब उसको करते हुए क्या ध्यान में रखोगे? क्या उसका मुंह, वो मेरे पास नहीं आएगा काटने को, ऐसा मुंह नहीं आएगा। हाँ। उस तरफ। ठीक है, हमको करके दिखाओ जरा, हमें तो डर लगता है। तो ये करके ये पानी क्यों निकल रहा है उसके मुंह से? उसने पानी पिया था अभी। अच्छा, मैं उसको ले हिला तो वो पानी निकलता। अजगर को देखकर कई बार ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि वो कितने बड़े शिकार को निगल सकता है, लेकिन ये सच है कि वो अपने शरीर से काफी बड़े शिकार को आसानी से निगल सकता है, और ऐसा करते समय उसके मुंह का आकार बड़ा, काफी बड़ा हो जाता है। अभी वो मुर्गी खाता है, 4-5 किलो की मुर्गी खाता है ये। तो हाँ, क्योंकि स्नेक का जो माउथ है तो 180 ऐसा होता है, इसलिए बड़ा से बड़ा वो खाद्य लेता है। हम उसको मुर्गी खरगोश देते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप सोच सकते हैं कि कैसे हैं इस गांव के लोग, जो बच्चों को सांपों से दूर नहीं कर रहे। लेकिन कोई क्या करे, जब बच्चों को ही सांपों से गहरा लगाव हो, पूछ कर देखिए किसी बच्चे से, डर नाम की चीज नहीं मिलेगी। तुम लोग को कब से सिखा रहे हैं ये? किस क्लास से सीख रही हो? पांचवी से सीख रही हो। अब डर लगता है? नहीं, नहीं लगता है। पकड़ लेते हो तुम लोग? हाँ, पकड़ लेते। उससे पहले जब कभी यहाँ पर गांव में सांप दिखता था या कुछ होता था, तो ऐसा डर लगता था? नहीं, उस टाइम भी नहीं लगता। नहीं, बच्चों को सांपों से डर नहीं लगता, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इनको जो शिक्षा मिल रही है। अलग अलग सांपों की फितरत क्या होती है, छोटा सा दिखने वाला करैत कितना विषैला हो सकता है, गुस्से में वाइपर कैसा दिखता है, और हमला करने के मूड में कोबरा क्या करता है। अपने शरीर को फुला और पिचका रहा ये वाइपर किसी सीटी की तरह आवाज निकाल रहा है। जमीन से अपने आधे शरीर को उठाकर ये कोबरा सामने वाले को ध्यान से घूर रहा है, और जब ये सांप ऐसा करे तो मतलब है सावधान हो जाइए।
ऐसी ही तमाम जानकारियों से इन बच्चों को लैस किया जाता है, ताकि अगर किसी विष रहित धामिन को गांव वाले अपने डर के कारण मारना चाहते हो या किसी विषैले करैत को छोटा सा सांप मानकर उससे खेलने लग जाएं, तो ये सांपों के सिपाही की भूमिका अदा करते हैं और उन्हें ध्यान से पकड़कर अपने स्कूल के संरक्षण में ले आते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होती है अगर पकड़ने के लिए कहा जाए, रास्ते में दिख जाए, कोई अगर बीमार सांप दिख जाए या कोई किसी को चोट लगी हुई हो, कोई साइकिल वगैरह चढ़ गई हो, तो हेल्प करते हो उसकी मदद? करते हो। और सेवा उसकी होती है? सेवा। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी मैं देख रही हूँ, वो डरते हैं सांपों से? सांप को नहीं डरते, उसको मालूम है कि वह हमारे स्कूल के पास वो सर्पोद्यान है, इसीलिए वह अपन पढ़ाई के साथ ही सांप कैसा पकड़ना, कैसा हैंडल करना, यह सीखता है, सिखाते। ये कौन सा है? सांपों और इंसानों की जैसी तस्वीरें आज इस गांव में दिखाई पड़ती हैं, वैसी हमेशा से नहीं थी। अब से करीब 52 साल पहले यहाँ सांप को देखते ही लोग डर जाते थे। कई बार सांपों के डसने से लोगों की मौत हो जाया करती थी, जिसके बदले में लोग सांपों को मार दिया करते थे। इस गांव के इंसान सांपों के पक्के दुश्मन थे। लेकिन 1966 में एक शख्स आया और उसने एक अद्भुत काम किया, जिसके बाद से इस गांव का सांपों से दुश्मनी का इतिहास ही बदल गया। सांप को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देखे तो हमारा फ्रेंड है। और यही मैसेज देने के लिए हमारे टकेश सर जी है ना, उन्होंने यहाँ अगर गवर्नमेंट जॉब छोड़कर यहाँ आकर क्यों किया, कि लोग सांप को मारते हैं, वो उन्होंने देखा, क्योंकि उनका वो नेटिव प्लेस था, यहाँ मारते हैं, तो यहाँ कुछ लोगों को पढ़ाने के लिए, उसके बारे में कुछ बताने के लिए यहाँ शुरू करना चाहिए। वो उन्होंने उस वक्त 1966 में वो पहचाना। बाबूराव ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और गांव के स्कूल के साथ ही सांपों का एक स्कूल शुरू कर दिया। सांपों का स्कूल सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 52 सालों से बच्चों के स्कूल के साथ ही सांपों का स्कूल चल रहा है, जहां इंसानों को सांपों की दुनिया से जोड़ा जाता है। जब तक सांप इस स्कूल में रहते हैं, स्कूल के टीचर ही अपनी तनख्वाह से उनकी खुराक का इंतजाम करते हैं। इस स्कूल में कम उम्र से ही बच्चों को सांपों के प्रकार, व्यवहार और आहार समझाया जाता है। कक्षा 7 तक के बच्चों को विषहीन सांपों को हैंडल करना सिखाया जाता है और 8वीं से ऊपर के बच्चों को विषैले सांपों से रूबरू कराया जाता है। कभी यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स लाते हैं सांप, तो कभी सांप मिला है? हाँ, काफी मिले। कहाँ पर? खेत में। कौन सा सांप लाया था? मैंने दामन सांप लाया था। डर नहीं लगता है पकड़ने में? नहीं लगता नहीं है कि कहीं काट लेगी? वो नॉन पॉइजन है। यही वजह है कि जब कोई सांप गले में लटका होता है और जब उसकी पकड़ टाइट होने लगती है, तो इन्हें समझ में आ जाता है कि सांप आक्रामक हो गया है, उसे शरीर से दूर कर दिया जाए। सांपों वाला स्कूल और ट्रेनिंग लेते बच्चे, तस्वीरें ही अपने आप में अद्भुत हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।